हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, न जाने क्यों मेरा मन कांप रहा है। कोई डरावना भय मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। कहीं मेरे पुत्र के प्राण संकट में तो नहीं? हे दया सागर, इस दुखियारी माता पर दया करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। मेरे पाप का दंड मेरे पुत्र को न देना परमेश्वर। उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तू क्या करने आई है यहां? इसकी ममता के संसार में आग लगाकर उसके जलने का दृश्य देखने आई है? नहीं महाराज। क्या मिला तुझे हमारा सुख चैन छीन कर? धिक्कार है तुझे, चली जा, जा चली जा, नहीं तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। जाने दीजिए स्वामी, जाने दीजिए। आप नहीं जानती महारानी सुनीति, ये सब इसी दुष्नारी का किया धरा है। ना ये ध्रुव को हमारी गोद से उतारती और ना हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ते। मैं कहता हूं चली जा, चली जा यहां से, कहीं मेरे हाथों से तेरी हत्या ना हो जाए। ऐसा मत कहिए स्वामी, सुरुचि को दोष देकर हम केवल अपने मन को बहला सकते हैं। ये तो नियति का खेल है। भाग्य में पुत्र वियोग लिखा था, सुमिल कर रहा, इसमें सुरुचि क्या करती? मैं नहीं मानता, भूल हम करते हैं और दोष हम भाग्य को देते हैं। ध्रुव सदैव इसकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता रहा, इसी के कारण हमारा पुत्र राजमहल छोड़कर चला गया। मैं जानता हूं इसे, ये बड़ी अभिमानी है, बड़ी निर्दयी है ये। इसकी महत्वाकांक्षाओं का भी कोई अंत नहीं और इसे किसी के दुख का भी कोई ध्यान नहीं। मैं तो कहता हूं कि यदि इसका उत्तम कहीं चला जाता तो इसे पता चलता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे स्वामी? दुखी होने का अर्थ ये नहीं कि कोई अपना विवेक ही खो दे। भगवान ना करे हमारा उत्तम कहीं चला जाए, वही तो इस राजभवन का कुलदीपक है। हमारा एक पुत्र तो न जाने कहां भटक रहा है। आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा पुत्र भी हमसे दूर हो जाए? उत्तम केवल सुरुचि का ही पुत्र तो नहीं, वो मुझे भी माता कहकर पुकारता है। आप नहीं जानते, जब मुझे माता कहकर पुकारता है ना, तो घड़ी भर को मैं ये भी भूल जाती हूं कि मेरा ध्रुव मेरे पास नहीं है। उत्तम के लिए कोई भी शब्द आप अपने मुंह से मत निकालिएगा। सुना तुमने सुरुचि, सुनी तुमने इस दुखियारी मां की बातें? ऐसी होती है ममता, इसे कहते हैं माता। तुमने इसके पुत्र के विरुद्ध क्या कुछ नहीं किया, पर यह तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध कुछ भी बुरा सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे दुख देकर कितनी प्रसन्न थी, और ये तो इस विचार से दुखी है कि कहीं तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। कितनी महान है ये, और तुम कितनी छोटी हो। तुम धिक्कार है तुम्हें सुरुचि, धिक्कार है तुम्हें। अग्निदेव, अग्निदेव कहाँ हैं आप? अग्निदेव, अग्निदेव शीघ्र आइए। मेरी योग्य सेवा देवेंद्र। रक्षिता का अभियान विफल हो गया, उस ढीठ बालक ध्रुव ने मंत्र का जाप नहीं बंद किया, उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं देवराज? अब आप
उस बालक के चारों ओर अग्नि का ऐसा घेरा डाल दीजिए कि वो भयभीत होकर मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी हो उसे रोकिए, उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें देवराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हो रहा है ये सब। बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान दैत्य मेरी शक्ति का लोहा मान गए, बड़े बड़े दानव मुझसे टकरा कर चूर चूर हो गए, पर ये छोटा सा बालक किसी के वश में नहीं आ रहा। आप तो बड़े प्रतापी हैं अग्निदेव, आप भी उस नन्हे बालक से हार कर चले आए। क्षमा करे देवराज, परंतु वह नन्हा सा बालक भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। जाप कर रहा है तो क्या? आप तो जानते हैं देवराज, जो भी मन से भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे उसके शरीर में दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और इस समय ध्रुव के शरीर में मुझसे भी अधिक ताप है। मेरी लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसके और निकट क्यों नहीं गए? उसके सर्वथा निकट जाकर उसे भयभीत करना चाहिए था। असंभव था देवराज, यदि मैं उसके निकट जाता तो स्वयं भस्म हो जाता, और इस समय उसमें जो शक्ति है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा अग्निदेव, ध्रुव के शरीर में जो शक्ति आ गई है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उस शक्ति का नाम भक्ति है। अग्नि, जल, आंधी, झंझा, बाढ़, ऐसी कोई भी विपदा ध्रुव को डिगा नहीं सकती। एक बात कहूं देवराज? कहिए देवर्षि। बात क्या? एक छोटा सा परामर्श है आपके लिए। तो प्रदान कीजिए। अग्निदेव, ध्रुव के पास जो ज्वाला चक्र छोड़ आए हैं वह ध्रुव का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, वन के निर्दोष पशुओं को अवश्य क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए यदि आप उचित समझें तो अपने इस क्रोध की अग्नि को शांत कर लें। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। अग्निदेव, हमारी चिंता का विषय तो वह बालक ध्रुव है, जंगल के वे निर्दोष प्राणी नहीं।
कृपया आप शीघ्र जाइए और जंगल में लगी ज्वाला को शांत कर दीजिए। जो आ गया देवराज। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। क्या बात है? आप लोगों के मुख देखकर तो ये लग रहा है कि अवश्य कोई अशुभ समाचार है। हाँ राजगुरु, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो ही जा रही है। क्यों? समस्त राज्य में असंतोष फैला हुआ है। असंतोष? पर क्यों? प्रजा पर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ है। प्रजा में ये भावना फैल गई है कि राजकुमार ध्रुव के जाने का कारण महारानी सुरुचि है और उनके विरुद्ध बहुत क्रोध फैला हुआ है। यदि प्रजा का ये क्रोध राजभवन की ओर मुड़ गया तो अराजकता फैल जाएगी। केवल आप ही महाराज को यह परामर्श दे सकते हैं कि वे प्रजा की भावना को शांत करने के लिए कोई उपाय करें। नहीं महाराज, इस स्थिति में नहीं कि वो कोई परामर्श दे सकें या ले सकें। पुत्र वियोग ने उन्हें निथाल कर रखा है। उन्हें तो ये सूचना देना भी उचित नहीं कि राज्य में असंतोष फैल रहा है। परंतु अब क्या किया जाए राजगुरु? कहने को तो देश राजा का ही होता है। उस पर राज्य करना, उसे संभालना राजा का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। परंतु इन कार्यों को संपूर्ण करने में राजा जिन लोगों की सहायता लेता है वह भी उत्तरदायी होते हैं। रात्रि का अंधकार दूर करने का उत्तरदायित्व केवल चंद्रमा पर नहीं, उन तारों पर भी है जो चंद्रमा की चारों ओर चमकते हैं। यदि प्रजा में असंतोष फैला है तो उसे दूर करने का उत्तरदायित्व मुझ पर और आप पर भी है। आप प्रजा को समझाइए कि राजकुमार ध्रुव जिस अभियान पर निकले हैं, भगवान से विनती करे कि वो अभियान पूरा हो। ध्रुव का अभियान पूरा हो गया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जाइए और प्रजा को समझाइए कि राजभवन में बिखरे दुख को अपनी भावनाओं से और बढ़ावा न दे और ध्रुव की रक्षा और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। जो आज्ञा राजगुरु। महाराज, राज्यसभा का समय हो गया है, आप यहां क्या कर रहे हैं? संसार के दुखों से पीड़ित होकर भगवान के चरणों में शरण ढूंढ रहा हूं राजगुरु। क्षमा कीजिए महाराज, आप भगवान के चरणों में शरण नहीं ढूंढ रहे हैं,
आप तो जीवन के कड़ुए सत्य से घबरा कर पलायन का मार्ग खोज रहे हैं, वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। ये सच है राजगुरु, परंतु जिस चुहारे ने एक ही दाव में अपना सब कुछ हार दिया हो वो और कर भी क्या सकता है। जीवन युद्ध कीड़ा नहीं है महाराज, ईश्वर ने मानव को जीवन कर्म क्षेत्र के रूप में दिया है। आप इसे कर्म भूमि से पलायन की शरण स्थली बना रहे हैं। मैं हार चुका हूं राजगुरु, मैं हार चुका हूं। मैं इस कर्म क्षेत्र में जीवन का एक महायुद्ध हार चुका हूं। महाराज, किसी राजा का युद्ध हार जाना बड़ी बात नहीं है, पर किसी राजा का साहस हार जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजा का साहस व्यक्तिगत विषय नहीं होता, उस साहस के साथ प्रजा की आशाएं और उमंगें जुड़ी होती हैं, उस साहस के साथ प्रजा का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं क्या करूं राजगुरु, मैं क्या करूं? उठिए और प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाइए। जो अपने परिवार का कल्याण ना कर सका वो प्रजा का कल्याण क्या करेगा राजगुरु? यही तो आपकी भूल है महाराज, आपने केवल राजभवन की चार दीवारी के भीतर रहने वालों को अपना परिवार समझ लिया है, पर वो प्रजा जो आपकी जय जयकार करती है, वो सैनिक जो आपके एक संकेत पर अपने प्राण नौछावर करने उठ खड़े होते हैं, क्या वो आपका परिवार नहीं है? राजा का वास्तविक परिवार तो उसकी प्रजा है। प्रजा के दुख पर दृष्टि डालिए, आप अपने दुख भूल जाएंगे। यदि कोई वृक्ष फल न दे सके तो उसकी महत्ता में कुछ कमी आ सकती है, पर यदि कोई वृक्ष छांव ही न दे सके तो उस वृक्ष का महत्व ही नहीं रहता। राजा वो वृक्ष होता है जिसके तले प्रजा को सुख और न्याय की छांव मिलती है। अपनी प्रजा को इस छांव से वंचित न कीजिए महाराज, उठिए अपना उत्तरदायित्व निभाने की सोचिए। मैं प्रयत्न करूंगा राजगुरु, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं महाराज, साहस कीजिए। महाराज, यदि आपको मेरा परामर्श स्वीकार नहीं है, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मुझे कहने दीजिए कि मैं आपके और राज्यसभा के योग्य नहीं हूं, यहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ठहरिए राजगुरु, ठहरिए। राजगुरु, मैं जीवन में बहुत कुछ खो चुका हूं, यदि आप जैसा महापुरुष और मार्गदर्शक भी मैंने खो दिया तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया है, मैं आपका आभारी हूं। स्वामी, हे कमल नयन, जब त्रिलोक में उजाला फैलता है, जब धरती पर वसंत झूमता है, जब कमल खिलते हैं, जब पुष्प अपनी सुगंध फैलाते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आप मुस्काए हैं। ये सारे दृश्य आपकी मुस्कान की ही छवि हैं। विधाता ने मुस्कान की रचना ही इसलिए की कि वो आपके अधरों की शोभा बढ़ाए। अभी अभी मैंने आपके अधरों पर जो मुस्कान देखी,
उसमें एक विचित्र ज्योति, एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया मुझे, जैसे आपके अधरों से मुस्कान नहीं किरण फूट रही हो। कोई मुझे आनंद विभोर कर रहा है देवी। अवश्य ही सृष्टि के किसी भाग में भक्ति के प्रकाश का उदय हो रहा है। मुझे एक विचित्र आनंद का अनुभव हो रहा है। हो न हो, ये मेरे ध्रुव की भक्ति का ही चमत्कार है। उसके रोम रोम में केवल आप ही बसे हैं सर्वेश्वर। उसके हृदय में झांक कर देखे तो केवल आपकी छवि ही दिखाई पड़ेगी। क्या है वत्स? मैं यही हूँ तुम्हारे निकट। क्या बात है? मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे मन में आ गए हैं। मुझे लग रहा है जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर विराजमान है। अहो भाग्य, तब तो चमत्कार हो गया पुत्र। तुम्हारी तपस्या ने भगवान विष्णु का मन जीत लिया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम धन्य हो पुत्र। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे शिष्य होने के अधिकारी थे। पर वे मेरे सामने क्यों नहीं आए? उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? जिसके मन में भगवान विष्णु रम गए हों, उसे और क्या चाहिए? उसका तो जन्म सफल हो गया। तो मेरी बात मानो, मंत्र के जाप को विराम दो, अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौटने की तैयारी करो। नहीं गुरुदेव, ना मैं मंत्र का जाप छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना घर जाऊंगा। क्यों? अब और क्या पाने को शेष रह गया है? अभी तो भगवान विष्णु केवल मेरे मन में आए हैं। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु मेरे सामने आए। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। किंतु क्यों? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती जा रही है पुत्र, और जैसे जैसे तुम्हारी मांगे बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। क्या पूछना चाहते हो तुम? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा गया? मुझ पर अन्याय होता देखकर मेरे पिताश्री क्यों चुप रहे? संसार में ऐसा अन्याय क्यों होता है? इसलिए भगवान को मेरे सामने आना ही होगा, नहीं तो मैं यूं ही भूखा प्यासा रहूंगा। सुनो पुत्र, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना कुछ मिल गया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका मन जीतने वाले तुम पहले सबसे छोटी आयु के बालक हो। अब और हट न करो। भगवान विष्णु तुम्हारे मन में रम गए हैं तो समझो तुमको मिल ही गए। नहीं गुरुदेव, मैं उनको अपने सामने लाकर ही रहूंगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा पुत्र, वो तुमसे नहीं होगा। अब बताइए तो सही, मैं अपने भगवान को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु उससे तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है पुत्र। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो बस भगवान विष्णु को देखना है। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। नारायण नारायण, न जाने कैसे हठी बालक से पाला पड़ा है, अब इसके बाल हट का मैं क्या करूं? मुझे बताइए ना मुझे क्या करना है। नहीं पुत्र, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन कार्य है। मैं कर लूंगा, आप बताइए तो सही। अच्छा तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। कैसे?
सुनो पुत्र, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से अपनी श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तब तक जाप करो जब तक स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे नेत्रों के सम्मुख साक्षात न आ खड़े हों। क्या बात है गंधर्वराज चित्ररथ? धरती पर हाहाकार मचा हुआ है देवराज। धरती पर समय की गति रुकी जा रही है प्रभु। बालक ध्रुव यदि यूं ही श्वास रोके रहा तो प्रलय आ जाएगी देवराज। कुछ कीजिए देवराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, इसका कुप्रभाव रोकना मेरे वश की बात नहीं है देवगण। हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, अब वही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, कोई उपाय कीजिए, नहीं तो बालक ध्रुव के कारण अनर्थ हो जाएगा। उसने श्वास रोककर संसार की सारी गतिविधि ही रोक दी। यह स्थिति थोड़ी देर और रही तो संपूर्ण जगत का सर्वनाश हो जाएगा। जगत की रक्षा कीजिए भाग्य विधाता। मैं क्या कर सकता हूं देवराज, मैं अपनी सीमा लांघकर तो नहीं जा सकता। मैंने जगत की रचना कर दी, यही मेरी सीमा थी। जगत की रक्षा तो केवल वही विश्वाधार पद्मनाभ लक्ष्मीपति करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और फिर ध्रुव मेरा नाम तो नहीं जप रहा है कि मैं उसे शांत कर दूं। वो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। इस समस्या का संबंध उन्हीं से है और समाधान भी केवल वही कर सकते हैं। हमें मिलकर उनकी सेवा में चलना होगा। संसार को इस संकट से वही उबार सकते हैं। त्राहिमाम 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 प्रणाम हे नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हे त्रैलोकीनाथ, सृष्टि की रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी सृष्टि को प्रलय आने से पहले ही एक महाप्रलय नष्ट कर देगी। ध्रुव ने जब से श्वास रोककर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया है, सारे संसार में वायु की गति रुक गई है, प्राणियों के दम घुट रहे हैं। प्रभु, ध्रुव को रोकना मेरे वश में नहीं है। भगवान, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। आप सृष्टि के रक्षक हैं, उसके पालनहार हैं। हम सब विनती करते हैं, आप ही ध्रुव की समस्या का
कोई उपाय कीजिए प्रभु। समस्या बहुत गंभीर हो गई है। अब बात केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया है। अब तो हमें जाना ही होगा अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए, और फिर किसी और की भांति हमें भी तो ध्रुव के प्राणों की चिंता है। वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए वासुदेव? सा ध्रुव हो गया ऐसा भक्त महान, शक्ति दिखाई भक्ति ने, प्रगट हुए भगवान। वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव, तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना, तो लो देखो मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताशी को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। और निकट आओ वत्स, आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ।
वत्स, अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अच्छा, वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है ना कोई इच्छा, आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया।